अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ सवाल पढ़ लीजिए। ऑटम 13। अच्छा एक सवाल होमवर्क दिया था किया है? चलो शुक्रिया, वो दोबारा किया था तो होमवर्क भी कर लेना था, कर लिया। ऑटम 17 जिन्होंने किया है, कोई मसला है तो पूछे। चलो ठीक है जी, आसान है ये तो। अच्छा एक ना, जब मैंने आपको वो इन्वेंट्री शुरू कराई थी तो उसमें कॉस्ट ऑफ परचेज की एक लिस्ट बनवाई थी, अगर अभी रजिस्टर पे है कहीं तो आइए उस पर।
लेक्चर 6 में था। अच्छा, आप में से जो लोग FER 1 में बैठे होते हैं वो मुझे कल FER 1 में याद करिएगा, जो बताने लगा, जो FER 1 में होते हैं और कल होंगे FER 1 में याद कराना। उस लिस्ट में मैंने कॉस्ट ऑफ परचेज में से ट्रेड डिस्काउंट लेस किया था, और फिर एक लिस्ट शायद बनाई होगी कि इसमें क्या क्या शामिल नहीं होता। उनमें कहीं सेटलमेंट डिस्काउंट लिखा था मैंने? नहीं, वैसे सवाल कराते हुए बताया था। ये ना काफ़ी पुराना एक कॉन्सेप्ट चल रहा है और ये किताबों में सवालों में ऐसे ही चलता रहा कि ट्रेड डिस्काउंट प्राइस में से लेस होता है, सेटलमेंट डिस्काउंट एक अलहदा डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, वो एक अलहदा से इनकम बनती है, वो कॉस्ट ऑफ परचेज में से लेस नहीं होता। जिन्होंने इंट्रो पढ़ी हुई है और इंट्रो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स खास तौर पे, तो आपको एक वहाँ चीज़ पढ़ाई गई होगी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये ऐसे ही है, ये इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, और सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में, इंटरनेशनली ऐसा ही कॉन्सेप्ट था। लेकिन एक टॉपिक है IFRS 15, आप में से जो लोग FER 2 पढ़ रहे हैं अभी या अगर को पढ़ भी चुके हैं तो रेवेन्यू के नाम से एक टॉपिक है। इसके आने के बाद एक डिस्कशन आर्गुमेंट के सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट नहीं, सेटलमेंट डिस्काउंट भी परचेज में से ही लेस होना चाहिए, ये उसके साथ तकरीबन मैच खाती बात थी जो रेवेन्यू में सेल्स की फिगर्स कैलकुलेट होती हैं। आर्ग्यूएबल बात है, फॉर अगेंस्ट दोनों आर्गुमेंट्स हैं। इस दफ़ा जब ICAP ने इंट्रो की बुक छापी, उसमें उन्होंने उस बुक के अंदर जो मटेरियल लिखा है वो लिखा है कि सेटलमेंट डिस्काउंट है चाहे ट्रेड डिस्काउंट है, वो कॉस्ट ऑफ परचेज में से लेस हो रहा है। अच्छा, इस बात को फिर ICAP से टेकअप किया और उनको ये मशवरा दिया मैंने कि आप ना इसको ऑफिशियल करके, और एक शायद आप लोगों ने फाइल देखी हो कभी, ICAP की वेबसाइट पे अपलोड होती है एग्ज़ाम स्पेसिफिक गाइडेंस, ये हर पेपर की उसमें थोड़ी बहुत डिस्कशन चल रही होती है, हर अटैम्प्ट से पहले कुछ ना कुछ बच्चे भी इधर उधर आपस में शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो फिर उनको सजेशन दी थी कि उसमें डाल दें ये बात कि फाइनली फिर ऑफिशियल वर्डिक्ट क्या है, तो वो फिर अब अपलोड हो गया और फाइनल वर्डिक्ट ये है कि सेटलमेंट डिस्काउंट भी कॉस्ट ऑफ परचेज में से ही लेस करेंगे अब हम। यानी अगर वो बचपन की अकाउंटिंग की बात करूं तो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड कुछ नहीं है, अब डिस्काउंट मिलेगा तो परचेजेज ही क्रेडिट होंगी, डिस्काउंट देंगे तो सेल्स ही डेबिट होंगी। तो उस लिस्ट में जो मैंने लेस ट्रेड डिस्काउंट किया हुआ है, ये भी आज ही अपलोड हुई है, आज या कल, उस लिस्ट में जो ट्रेड डिस्काउंट मैंने लिखा था स्लैश सेटलमेंट डिस्काउंट भी लिख लें, यानी सेटलमेंट डिस्काउंट भी अब लेस ही होगा। क्या लिख लिया? तो ये फिर मुझे बेटा FER 1 में भी याद दिला देना अगर कल बैठे हैं तो। ये अभी जो ICAP की वेबसाइट पे जो नई गाइडेंस आई है उसमें फिर ये अभी इंक्लूड कर लिया है, तो वो मैं उसी का इंतजार कर रहा था, अब उन्होंने डाल दिया तो मैंने फिर आप लोगों को बता दिया। हाँ जी, जैसे ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो रहा था तो ये भी माइनस ही होगा। चलें अभी आप पढ़ लीजिए एक सवाल, बस एक सवाल और करा रहा हूँ, बहुत है ओवरहेड।
इस सवाल को कराने की रीज़न जो है ना वो इसमें एक डायरेक्ट वेजेस वाला पॉइंट है, अच्छा उसकी वजह से ये करा रहा हूँ। ऑटम 13 क्वेश्चन नंबर 7, सितंबर 2013 क्वेश्चन नंबर 7, जायका लिमिटेड। पढ़ लीजिए, करता हूं। सितंबर 2013 क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी पढ़ लिए, बड़ी जल्दी पढ़ लेते हैं यार सवाल, टेबल छोड़ देते हैं। जायका लिमिटेड फ्रूट जैम मैन्युफैक्चर करता है, 3 PDs हैं, 2 SDs हैं। तो इस ये जो इस चैप्टर का सवाल है ना, ये पहचाना जाता है सवाल, डाटा इस तरह का इस चैप्टर के अलावा और कहीं नहीं होता। हाँ, एक और टॉपिक जो इस दफ़ा सिलेबस में नया शामिल हुआ है उसमें इस तरह का ज़रूर डाटा होगा, उससे मिलता जुलता ही है वो, लेकिन उसके अलावा बाकी चैप्टर्स में ऐसा डाटा नहीं होता। 3 PDs हैं, 2 SDs हैं, और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फ्रॉम ZL's रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। गुजरा हुआ डाटा है, बजटेड डाटा है, एक्चुअल है, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त डाटा दिया, अब एक्चुअल डाटा दे दिया। फिर इसके अलावा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन भी, कुछ रुपए, कुछ आर्स, कुछ स्क्वेयर फिट, ये नीचे अवेलेबल हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट SDs के। उसके बाद लिखा हुआ है कि जब जैम बन जाता है तो फिर बॉटल्स, एक कार्टन में 12 बॉटल्स रखी जाती हैं, कार्टन्स पूरा बॉक्स, उसमें 12 बॉटल्स रखी जाती हैं, और आगे फिर सर्विस डिपार्टमेंट को बांटने का तरीका बता दिया। एक बॉटल के लिए लास्ट में मटेरियल लगता है 36 का और लेबर लगती है 25, एक बॉटल की बात हो रही है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन, नॉट बॉटल, कार्टन, और कैलकुलेट द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ईच कार्टन, है जी, कॉस्ट यानी डायरेक्ट मटेरियल भी, डायरेक्ट लेबर भी और FOH भी। पूछा कार्टन है, लेकिन हमारे पास जो डाटा है वो बॉटल्स करके अवेलेबल है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं।
बॉटल का कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ऑटम 13 कॉस्ट पर बॉटल डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है एक बॉटल में? 36, ये लास्ट में बताया हुआ है। डायरेक्ट लेबर कितना लगता है? 25 FOH। अच्छा FOH के लिए सवाल से डाटा से पता चल रहा है कि ये PDs SDs वाला पोर्शन आ गया, SDs को PDs में बांटेंगे, फिर हर PD का एक खर्चा आ जाएगा, तो हमें उसको पर बॉटल करके यहां पर लिखना होगा तीनों PDs, क्योंकि सवाल में PDs SDs है ना, तो इसका मतलब सवाल करना तो फिर उसी तरह सही है कि खर्चे बांटने पड़ेंगे SDs में, फिर SD से PDs के अंदर, फिर हर PD का एक ना एक पोर्शन निकलेगा, वो यहाँ लिखेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट पूरी होगी। ये सवाल की रिक्वायरमेंट है। तीन PDs हैं, क्या क्या हैं? सिलेक्शन, जैम मेकिंग और बॉटलिंग, बस इसकी मेहनत है पूरे सवाल में। जब ये सारी फिगर्स कैलकुलेट हो जाएंगी तो ये जो आंसर निकलेगा ये होगा कॉस्ट पर बॉटल, और असल रिक्वायरमेंट है कॉस्ट पर कार्टन। तो जो आंसर यहाँ निकलेगा उसको हम इनटू 12 कर देंगे, जो भी यहाँ निकलेगा आंसर इनटू 12 कर देंगे, तो जो आंसर आएगा ये होगा जो सवाल की असल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें तीनों PDs के ओवरहेड पर बॉटल तक पहुंचना है। ये सवाल की अप्रोच है। मटेरियल लेबर पर बॉटल दिया हुआ था लास्ट पैराग्राफ, रॉ मटेरियल, रॉ एंड पैकिंग मटेरियल कॉस्ट 36 और लेबर कॉस्ट 25 इज इनकर्ड ऑन ईच बॉटल, तो ये पर बॉटल था। FOH भी हम पर बॉटल ही ले लेते हैं फिर, और उसका जो आंसर आएगा वो कॉस्ट पर बॉटल होगा, इनटू 12 करेंगे तो कॉस्ट पर कार्टन बन जाएगी। ये सवाल की रिक्वायरमेंट है। अब ये डिपार्टमेंट्स वाला खेल खेलते हैं, तो इसके लिए वर्किंग सारी वही करनी पड़ेगी। वर्किंग में आ गए, अंग्रेजी बेसिस टोटल सिलेक्शन जैम मेकिंग बॉटलिंग स्टोरेज। ये देखिए मैंने एक दफ़ा पहले कहा था कि अगर स्टोर फैक्ट्री में होता तो वो एक अलग SD होता, तो ये देखिए अलग SD है स्टोर। आगे डिस्ट्रीब्यूशन और बस, रुपीज़ हैं, मिलियन हैं, थाउजेंड हैं, रुपीज़ हैं। जी ओवरहेड्स क्या क्या है? रेंट एंड रेट्स, तो रेंट को किस बेस पे बांटे? फ्लोर एरिया। कितना है टोटल? 85,000 बांटिए फ्लोर एरिया पे, 255,000 34,000 13,000 3,400 8,500 ये मैं सबको बार बार कहता हूँ कैलकुलेशन बेटा सारे लोग किया करें, आपको पता भी चले कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कोई बात नहीं मैं रुक गया, आ जाए मिल जाए साथ। सही नहीं है, हाँ तो इसीलिए कहता हूँ सारे लोग किया करें। क्या गलत है? सारे गलत हैं।
जी 19200 25600 मैं खुद कर लेता हूँ $85,000 divided by फ्लोर एरिया सबका ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6250 और फिर मल्टीप्लाई करते जाएं 1500 2000 1250 1000 और 500 से ये ठीक है 27200 हैं 17000 6800 ये सही है yes, जी आगे इनडायरेक्ट वेजेस कितनी है 60,000 अवेलेबल में से क्या बेस्ट लग रहा है ये पहले भी एक दफा मैं समझा चुका हूँ बात इनडायरेक्ट लेबर वो होते हैं जो डायरेक्ट लेबर की सपोर्ट के लिए हैं जैसे जैसे बाइक वर्कशॉप पे लेके ट्यूनिंग करा रहे हैं सर्विस करा रहे हैं तो एक वो वर्कर एक वो मैकेनिक है जो खुद बाइक को ठीक करने में इन्वॉल्व है एक उसका असिस्टेंट है जो उसको सामान पकड़ा रहा है तो ये जो इनडायरेक्ट लेबर होता है ये डायरेक्ट लोगों की सपोर्ट होती है तो अवेलेबल में से बेस्ट क्या लग रहा है डायरेक्ट वेजेस जी 18,000 24,000 9600 24,000 6,000 यहां तक पहुंचे फिर एक नई बात सिखाता हूं और एक नोट भी लिखवा देता हूं हाँ जी डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर ये कॉन्सेप्ट क्या है डायरेक्ट लेबर उसको कहते हैं कि जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट के एक यूनिट के लिए कैलकुलेशन एक्यूरेटली हो सकती है अच्छा एक्यूरेटली कैलकुलेशन से मेरी मुराद ये नहीं होती कि कैलकुलेटर के ऊपर किया जा सकता है वो तो रेंट को भी डिवाइड कर सकते हैं एक्यूरेट कैलकुलेशन का मतलब है कि बिजनेस को पता है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने रुपए का मटीरियल लगेगा तो ये डायरेक्ट मटीरियल है क्यों पता है क्योंकि इस मार्कर में कितना प्लास्टिक लगना है पता है एक स्टैंडर्ड साइज है तो बिजनेस को पता है कि एक यूनिट बनाने के लिए कितने रुपए का मटेरियल लगेगा नजर भी आ रहा है ये डायरेक्ट मटेरियल है इसी तरह से जो बिजनेस शर्ट्स बेचता है वर्कर जो एक शर्ट सीने के 400 रुपए लेता है तो पता है कि एक यूनिट के लिए लेबर कितनी लग रही है 400 रुपए ये डायरेक्ट लेबर है ये खर्चे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर बिजनेस को पता होते हैं ये मतलब नहीं है कि टोटल रेंट डिवाइडेड बाय यूनिट तो वो भी तो पर यूनिट ही आ जाएगा लेकिन रेंट का यूनिट से ताल्लुक ही नहीं है तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वो होता है जिनका यूनिट से ताल्लुक है कैसे ताल्लुक है प्रोडक्ट का हिस्सा जो मटेरियल बन रहा है तो पता ही होगा एक यूनिट पे कितना मटेरियल लगता है इसी तरह जो वर्कर खुद उस प्रोडक्ट को बनाने में इन्वॉल्व है तो पता ही होगा उसको कितने पैसे देते हैं ये होता है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और जो ये नहीं है वो सब इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट लेबर में आएंगे वो लोग जो डायरेक्ट लेबर के अलावा हैं उनमें परमानेंट सैलरी वाले लोग भी हो सकते हैं उनमें इन्हीं की सपोर्ट पे खड़े हुए वर्कर्स भी हो सकते हैं वो सब इनडायरेक्ट है
अच्छा, ये सारी डिस्कशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है? प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरे बिजनेस, पूरी फैक्ट्री का एक प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, और हम लोग कैलकुलेट भी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ही कर रहे हैं। दूसरे टेबल में डायरेक्ट वेजेस लिखी हुई हैं, और आपको ये डायरेक्ट वेजेस दोनों एसडीज में भी लिखी नजर आ रही हैं। दोनों एसडीज में है ना डायरेक्ट वेजेस? क्यों है? ये तो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो तो प्रोडक्शन, वहां तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, तो डायरेक्ट वेजेस कहां से आ गए? हाँ जी, नहीं उधर भी एम्प्लॉयज हैं, लेकिन वहां तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो वहां के वर्कर्स प्रोडक्शन में ही इंगेज नहीं है। जब प्रोडक्शन में इंगेज ही नहीं है तो उनका खर्चा डायरेक्ट वेजेस हो ही नहीं सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, अब वो क्या रिलेशन है उसकी कहानी समझे। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट में भी डायरेक्ट वेजेस लिख दिए गए हैं, इसका रीजन ये होगा, इसकी मिसाल मैं आपको मेंटेनेंस से समझाता हूं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स होंगे वो भी दो तरह के होंगे। वो वर्कर्स जो डायरेक्टली मेंटेनेंस में एंगेज्ड हैं, और वो वर्कर्स जो उनकी सपोर्ट के लिए हैं। तो जो डायरेक्टली मेंटेनेंस में एंगेज्ड हैं, वो उस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट कहे जा सकते हैं। देखें, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्ट के, यानी हम पूरी फैक्ट्री को सामने रख के प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो जब हम पूरे प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर का मतलब असली वाला डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर है, जो असल कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट का एक यूनिट में कितने रुपए का मटेरियल, कितने रुपए का लेबर लगता है। लेकिन एसडीज में अगर कहीं डायरेक्ट वेजेस लिखा मिल जाए, तो वो डायरेक्ट इसलिए लिखा गया होगा कि लिखने वाले ने उसको उस एसडी के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखा होगा। यानी मेंटेनेंस ग्लोब जैसे स्टोरेज है, तो स्टोरेज में क्या होता होगा, सामान उठा के रखते होंगे, सामान उठा के लाते होंगे। तो अब इसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बांटे जा सकते हैं उस डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कैसे? जो लोग उठा यूनिट्स उठा के संभाल के रखते हैं, ये डायरेक्ट हो जाएंगे उस डिपार्टमेंट के, और जो उनकी सपोर्ट, उनकी निगरानी के लिए है, वो इनडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये उस डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में शायद डायरेक्ट इनडायरेक्ट तोड़ के बताए होंगे, लेकिन हम अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट के लिहाज से देख रहे हैं। तो वो जो डायरेक्ट लिखे हुए हैं, वो प्रोडक्ट की नजर से देखेंगे तो हैं वो इनडायरेक्ट ही। बल्कि मैं वर्ड चेंज करता हूं, उस डिपार्टमेंट की नजर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, लेकिन जब हम उसको प्रोडक्ट की नजर से देखेंगे तो वो एफओएच में ही आएंगे। तो आप नोट ये लिख लें कि आपको अगर एसडीज के अंदर डायरेक्ट वेजेस लिखी मिल गई या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिखी मिल गई, तो वो ओवरऑल एफओएच के अंदर ही कवर होंगे। अगर क्वेश्चन में आपको एसडीज के अंदर डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिखी मिल जाती है, तो कहने वाले ने तो चलो कह दिया उसको डायरेक्ट वेजेस, लेकिन हम उसको जब ओवरऑल फैक्ट्री की नजर से देख रहे होंगे तो वो एफओएच के अंदर काउंट होंगे। अगर आपको एसडीज के खर्चों में, एसडीज में डायरेक्ट वेजेस लिखी मिल जाए या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिखी मिल जाए, तो नाम से धोखा नहीं खाना, वो ओवरऑल फैक्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एफओएच ही है। क्वेश्चन पे असर ये है कि हम ये वर्किंग में क्या लिख रहे हैं, एफओएच, तो क्वेश्चन पे ये असर है। ये क्वेश्चन पे असर है कि वो एफओएच में ही कवर होंगे, ये वाले एफओएच में नहीं होंगे। ये वाले, ये तो असली वाले डायरेक्ट वेजेस हैं। क्यों? ये वाले क्योंकि ये पीडीज के हैं, तो ये तो वाकई असली वाले डायरेक्ट लेबर होंगे।
लेकिन जो एसडी में डायरेक्ट वेजेस के सामने लिखे हुए हैं वो पूरी फैक्ट्री की नजर से देखेंगे तो वो एफओएच हैं। तो सवाल में पैक ये पड़ा कि मैंने इस लिस्ट में उनको भी लिखा, डायरेक्ट वेजेस का वर्ड लिखा, लेकिन अमाउंट सिर्फ इन दोनों में लिखी, क्योंकि इन दोनों एसडीज में जो डायरेक्ट वेजेस आ रही हैं वो एफओएच हैं, जो पीडीज में डायरेक्ट वेजेस आ रहे हैं वो एफओएच नहीं है। दी हुई है, दूसरे टेबल में दी हुई है। है जी, सारी बात नहीं समझ आई कि यहां लिखना समझ नहीं आया, सारी ही समझ नहीं आई। दोबारा कोशिश करते हैं। जब हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं या कह लें कि पूरी फैक्ट्री को सामने रख के बात कर रहे होते हैं तो उस फैक्ट्री के सारे खर्चे तीन तरह के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। ठीक है, पूरी फैक्ट्री को सामने रख के बात की जा रही है। तो जो खर्चा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है, इसको डायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोडक्ट के एक यूनिट के हिसाब से इसका इतना ताल्लुक, गहरा डायरेक्ट ताल्लुक होता है कि पता होता है कि एक बॉटल में कितना शीशा, कितना जैम लगना है, ये पता है। अगर 200 mg की बॉटल है तो उसमें कितना फ्रूट लगना है, कितने केमिकल लगने हैं, बॉटल कितनी होनी है, पता होना चाहिए ना, क्योंकि वही तो साइज होगा स्टैंडर्ड, उतना ही तो वजन, उतना ही तो आम, उतना ही तो सेब डलते होंगे। तो एक बॉटल बनाने के लिए कितने रुपए का मटेरियल लगता है ये बिजनेस को पता होता है, इसलिए उसको डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। ये तो चलो बॉटल है, मैं मिसाल वापस वो कपड़ों की मिसाल पे आ जाता हूँ। अगर एक बिजनेस है जो स्टैंडर्ड साइज के स्कूल यूनिफॉर्म बेचता है तो वर्कर वो शर्टें सीते होंगे, तो वो जो वर्कर शर्टें सी रहा है, अगर एक शर्ट सीने का 200 रुपए ले रहा है तो बिजनेस को पता है ना कि एक शर्ट पे कितनी लेबर कॉस्ट पड़ती है, तो वो लेबर डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो भी बिजनेस के खर्चे होते हैं फैक्ट्री के बिजनेस के, नहीं वो एफओएच होते हैं। ये बात ठीक है। एसडीज में प्रोडक्शन हो रही होती है, जब एसडीज में प्रोडक्शन ही नहीं हो रही तो एसडीज में जो वर्कर्स मौजूद हैं वो डायरेक्ट लेबर किसी भी तरह हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि डायरेक्ट लेबर तो है ही वो जो प्रोडक्ट को बनाने में एंगेज्ड है, तो एसडीज के लोग तो बना ही नहीं रहे प्रोडक्ट्स, तो एसडी में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं हो सकती। लेकिन सवाल में दी हुई है, दूसरे टेबल के अंदर डायरेक्ट वेजेस पहली ही लाइन लिखी हुई है, दूसरे टेबल में पहली ही लाइन लिखी है डायरेक्ट वेजेस, और डायरेक्ट वेजेस के सामने चलें तो आपको तीनों पीडीज में भी फिगर्स नजर आ रही हैं और दोनों एसडीज में भी फिगर्स लिखी नजर आ रही हैं। तो पीडीज में तो लिखी नजर आनी चाहिए क्योंकि पीडीज में तो वर्कर्स हैं जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो तो होंगे डायरेक्ट। एसडीज में नहीं होनी चाहिए थी, और पीछे जितने सवाल किए हैं जिनमें कभी डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए होते थे, आप वहां चेक कर लेना, डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको मिलेंगे सिर्फ पीडीज में, कभी किसी एसडी में आपको डायरेक्ट लेबर आर नहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि वहां तो है ही नहीं डायरेक्ट वर्कर्स। तो इसलिए यहां पर डायरेक्ट वेजेस नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। यहां तक भी सही है, जाग रहे, लेकिन है तो क्यों है? उस क्यों की वजह बता रहा हूं कि डेटा इकट्ठे करने वाले ने ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तोड़ा होगा वो उसने उस डिपार्टमेंट को सामने रखते हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट तोड़ दिया होगा। जैसे स्टोर के डिपार्टमेंट में वर्कर्स क्या काम करते हैं, सामान उठा के रखते ही होंगे ना, जैसे किसी जूतों के स्टोर में अगर जाएं, शोरूम में जाएं, अब वो जो सेल्समैन हैं उनके अलावा वो किसी को आवाज़ लगाते हैं, फलाना नंबर ले आओ स्टोर से, अब वो लड़का जाएगा वहाँ से वो फलाना नंबर उठा के नीचे ले आएगा, तो वो स्टोर का एम्प्लॉई है, वो स्टोर में सामान रखने उठाने के लिए है। अब स्टोर में भी दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक वो होंगे जो सामान खुद रखते उठाते हैं और कुछ हो सकते हैं जो उनके सुपरवाइजर हैं। तो अगर सिर्फ स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पूरी फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे इस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं बड़ा हूं इस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यह नहीं कहा जाएगा कि मैं इस कॉलेज का बड़ा हूं, नहीं, मैं तो एम्प्लॉई हूं कॉलेज के, बड़े तो मैनेजमेंट होगी,
तो जब इस डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही थी तो वो चीज़ें पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं लग सकती। तो उस स्टोरेज डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कुछ डायरेक्ट लोग हों, कुछ इनडायरेक्ट लोग हों। किस एतबार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट? बस उस डिपार्टमेंट के एतबार से। तो वो डेटे वाले ने आपको उस डिपार्टमेंट के नाम से कुछ डायरेक्ट वेजेस और कुछ इनडायरेक्ट वेजेस तोड़ के दे दी। लेकिन हम अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं? हम पूरी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट के हिसाब से देख रहे हैं। तो फिर जब हम इसको देख पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हैं, इसको देख प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हैं, तो एसडी का कोई भी खर्चा डायरेक्ट हो ही नहीं सकता, वो एफओएच ही होगा। तो नोट लिखवाया है कि आपको अगर सवाल में एसडी के खर्चों में डायरेक्ट वेजेस लिखी मिल जाए तो नाम से धोखा नहीं खाना, वो एक एफओएच ही होगा। तो ये हम एफओएच की तो लिस्ट बना रहे हैं, तो डायरेक्ट वेजेस मैंने यहां लिख दी। यहां क्यों नहीं लिखी? क्योंकि पीडीज के डायरेक्ट वेजेस तो डायरेक्ट वेजेस हैं, वो एफओएच नहीं है। ठीक है, वही बता रहा हूं ना, जो जो खुद से सामान रखने उठाने में लड़के थे वो डायरेक्ट हो गए, और बाकी उनके सुपरवाइजर हो सकते हैं, स्टोर का चौकीदार हो सकता है। अब वो तो सामान नहीं रख रहे, नहीं उठा रहे, तो वो स्टोर के कॉन्टेक्स्ट में इनडायरेक्ट हो गए। इसी तरह अगर कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, वो वर्कर्स जो खुद मशीनें ठीक कर रहे हैं वो उस डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट हो गए, और जो उनकी सपोर्ट के लोग हैं वो इनडायरेक्ट हो गए। तो ये स्टोर के ही डायरेक्ट लोगों की तनख्वाहें हैं, और ये स्टोर के ही इनडायरेक्ट लोगों की तनख्वाहें। स्टोर में वो लोग भी हैं जो सामान उठा रख रहे हैं, और वो लोग भी हैं जो उनकी सपोर्ट के लिए हैं। तो स्टोर में डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। नहीं नहीं, इसमें दोनों नहीं थे, ये स्टोर के सिर्फ उन वर्कर्स की तनख्वाहें थी जो सामान उठाते रखते हैं, तभी तो उनको डायरेक्ट कहा था। बाकी सपोर्ट के लोगों की तनख्वाहें इसमें सिमटी हुई थी, वो बांटी हैं। नहीं, स्टोर में वो वर्कर्स जो सामान उठा रख रहे हैं वो डायरेक्ट लोग हैं, ये उनकी तनख्वाह है। जो उनकी सपोर्ट में लोग हैं वो सवाल के अंदर तो वो इनडायरेक्ट के नाम से लिखे होंगे ना। देखें, सवाल के अंदर जो डायरेक्ट वेजेस का नाम लिखा हुआ है और इनडायरेक्ट वेजेस का नाम लिखा हुआ है, दो अलग अलग नाम ही लिखे हुए ना। तो जो स्टोर डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस में फिगर्स लिखी हैं वो स्टोर के डायरेक्ट वेजेस ही की तनख्वाहें होंगी, तो उनके इनडायरेक्ट लोगों की तनख्वाहें किधर गई? वो इसके अंदर है। और जब बांटा तो स्टोर में ये उन लोगों की सैलरीज आ गई जो सपोर्ट के लोग थे, और ये उन लोगों की सैलरीज आ गई जो सामान रखा करते थे। अब ये स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दो अलग अलग नाम आ गए, लेकिन ओवरऑल सवाल में है दोनों एफओएच। ये असल में इस सवाल के लिए, इस पॉइंट के लिए ही ये सवाल कराया, बाकी तो सवाल पहले जैसे ही आ गए। जनरल अच्छा, पहले हम लोग जो लाइटिंग बांटा करते थे वो फ्लोर एरिया पे बांटते थे, वजह कि जितना बड़ा रूम होगा उतनी ज़्यादा लाइट होगी। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि ये गिन के ये छः ये हैं, इसी तरह सारे लाइट पॉइंट्स पता चल जाएं कि असल में कितनी लाइटें लगी हुई हैं, तो फिर तो वही बेहतर है ना। ये तो एक लिंक सोचा था कि जितना बड़ा रूम होगा यकीनन उतनी ही लाइटें होती होंगी, तो अब अगर पता चल गया कि कितनी लाइटें, तो फिर तो उसी की बेस पे बांटेंगे। तो लाइट पॉइंट्स का मतलब है कि कितनी लाइटें। तो हम ये जो आगे लिखा हुआ है एनओएस नंबर्स तादाद है उनकी, तो हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि लाइटों की तादाद कितनी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी लाइट्स हैं, तो फिर उनके हिसाब से बांटना चाहिए। अब फ्लोर एरिया नहीं, तो इसको बांट देंगे हम लाइट पॉइंट्स के एतबार से। टोटल कितना है? तो लाइट पॉइंट्स के एतबार से बांट दें 12 500,
25,000 18,750 6,250 12,500 कैलकुलेट किया है कि सॉल्यूशन देख के बता रहे हैं। पावर के लिए आपको पावर की कंजम्पशन दी हुई है किलोवाट आवर्स 150,000 टोटल हो गया है जी 15,000 30,000 15,000 डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन मशीनरी की है तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी दी हुई है कितनी डेप्रिसिएशन 50,000 10,000 20,000 15,000 5,000 ये हो गई प्राइमरी अपोर्शनमेंट। यार वो बुरा मान गया है नहीं फिर प्राइमरी अपोर्शनमेंट वाला जो वो जो उधर बैठे हुए थे दोनों वो जो वहां बैठा हुआ था लड़का वो आया ही नहीं फिर दोबारा। हाँ जी प्राइमरी अपोर्शनमेंट डन तो यस सर के आगे टोटल भी ना इधर क्या यस सर 7 5 9 1 8 6 2 0 0 9 0 3 5 0 5 0 2 5 4 5 3 0 सही है कि गलत है चले यहां तक पहुंचे फिर सेकेंडरी अपोर्शनमेंट करते हैं। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन है जरूरत नहीं है क्योंकि वन वे सपोर्ट है तो पहले किसको बांट लें किसी को भी बांट लें नहीं भाई अच्छा तो दोबारा बांटना पड़ेगा
किसी को भी बांट लेंगे तो फिर एक दफा तो फिर बांटना पड़ेगा। हाँ जी, किसको बांटें? स्टोरेज को। कितने कितने परसेंट? 10, 30, 40, 20। तो स्टोरेज से निकाल लिया 50250 और ये आ जाएगा 50275 1500 70520100 50 और अब बांट लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को 5 5 3 5 0। डिस्ट्रीब्यूशन बांटनी है 20 50 30 डबल 1 0 7 0 2 7 6 7 5 1 डबल 6 0 5 1 डबल 6 0 5। ये टेबल नोटेड? ये मैं ऊपर से तीन लाइनें मिटा रहा हूं। हाँ जी, कितना टोटल? यहाँ तक गलत है। सही है यार, सही है। अच्छा, अब ये टोटल ओवरहेड्स आ गए हर पीडी के, हमें क्या चाहिए? पर अच्छा, ये OAR निकाल रहे हम, क्यों OAR क्यों नहीं है? ये एक्चुअल डाटा है, लेकिन हमें पर बॉटल बहरहाल करना है उसको। तो अब या तो ये पता होता कि हर डिपार्टमेंट से कितनी बॉटल्स बन के निकली हैं, तो उनसे डिवाइड कर लेते। नंबर ऑफ बॉटल्स नहीं पता, आर्स पता है। अच्छा, मैं एक काम बोर्ड पे कर रहा हूं और एक अल्टरनेटिव ऐसे जबानी बता दूंगा। अगर हम आर्स से डिवाइड कर लें, प्रोडक्शन आर्स पता है, इसके हैं 1533 3577 1815। अगर इससे डिवाइड कर लें तो क्या पता चल जाएगा? ओवरहेड पर। अच्छा, ये OAR होगा? नहीं, OAR नहीं होगा, वो साल के शुरू में ही होता है बजटेड से। ये वैसे ही बस ओवरहेड पर आर होगा, 60, 70। ये हमें पता चल गया कि
पर आर के हिसाब से ओवरहेड्स कितने हैं। वैसे तो पर बॉटल चाहिए थे, लेकिन चलो पर आर से काम चलाते हैं। अब यहां आते हैं, हमें यह पता है कि एक बॉटल को बनाने में 0.1 आर लगते हैं। देखें ये जो 60 है, ये 60 क्या है पर आर, हमें यहां 60 लिखना है, हमें तो पर बॉटल करना है, तो इस पर आर को पर बॉटल तक कैसे पहुंचाएं, आर पर बॉटल से मल्टीप्लाई कर दें, ये 0.1 है। 60 पर आर निकाला है, हमें यहां पर बॉटल चाहिए, तो उसको पर बॉटल बनाने के लिए 0.1 पर बॉटल दिया हुआ है, लेबर आर्स पर 0.1 पर बॉटल, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 6। इसी तरह जैम मेकिंग में 64 क्या है पर आर, जबकि हमें पर बॉटल करना है, तो 0.25 आर पर बॉटल लगते हैं। कितना 16। और इसी तरह से बॉटलिंग में 70 रुपए क्या है पर आर, और एक बॉटल बनाने के लिए 0.15 आर लगते हैं। और इसकी जगह आप ये भी कर सकते थे कि सिलेक्शन में एक बॉटल के लिए कितने आर्स लगते हैं 0.1, तो इतने घंटों में कितनी बॉटल्स बनाई होंगी, 0.1 से डिवाइड के मल्टीप्लाई 1533 आर्स हैं। 0.1 क्या है आर पर, तो अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा, तो डिवाइड करके क्या चीज बनेगी, नंबर ऑफ बॉटल्स। देखिए मैंने जो इस वक्त सामने लिखा है पहले वो बताता हूं, मैंने ये किया कि हमें यहां से पर बॉटल निकालने के लिए नंबर ऑफ बॉटल्स चाहिए थी, नहीं दी हुई, आर्स दिए हुए, चलो आर्स से काम चला लेते हैं, आर्स लिखा, डिवाइड किया तो रुपए पर आर आ गए। अब उस रुपए पर आर से रुपए पर बोतल बना लिया, ये रुपीस पर बोतल वाली बात आई समझ। मैंने कहा इसकी जगह एक और काम कर सकते थे कि यहीं पर हम इसको डिवाइड किससे कर लेते, नंबर ऑफ बोतल से, तो वो तो नहीं दी हुई, लेकिन ये पता है कि यहां 1533 आर्स काम हुआ है, और ये पता है कि एक बोतल 0.1 आर में बनती है, तो इतने घंटों में कितनी बॉटल्स बनी होंगी, डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कितनी आ जाएंगी, तो यहां पर 1530 बॉटल्स आ जाएंगे, फिर दिस डिवाइडेड बाय 1530 करेंगे तो 6 रुपए पर, तो वही चाहिए था हमें। पर आर निकाल लें, यहां पर बॉटल कर लेना, या यहीं पर नंबर ऑफ बॉटल्स बना लें, जैसे ये है 3577 आर्स लगे हैं, एक आर में कितनी एक बॉटल के लिए कितने आर्स लगते हैं पॉइंट, इतने आर्स में फिर कितनी बॉटल्स बनी होंगी, ये मल्टीप्लाई डिवाइड जिनको समझ नहीं आ रहा दोबारा देखिए, 3577 आर्स हैं, 0.25 क्या है आर पर बॉटल, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो आर आर कैंसिल होके बॉटल ऊपर आएगा, तो जो आंसर बनेगा वो होगा नंबर ऑफ बॉटल्स कितना 3। तो फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो रुपए पर बॉटल आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते थे। अब इन सबको ऐड कर लेंगे 93.5, और ये है पर बॉटल, इंटू 12 करेंगे तो 1111।
चले एक सवाल और करते हैं, 15 मिनट में जितना भी हो गया कोशिश करता हूँ। कर रहे हैं नहीं वो होमवर्क वाला नहीं, वो समझाने वाला है। सवाल है जी ऑटम 10। क्वेश्चन नंबर 1 ऑटम 10 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक दो पॉइंट बड़े अच्छे हैं समझाने वाले, इसलिए ये कर लेंगे तो अच्छा है। सितंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 एहसन एंटरप्राइजेस। पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल पूरा कर लूंगा, लेकिन कर रहे हैं हम इसको। सितंबर 2010 क्वेश्चन नंबर पहला। पढ़ लीजिए। अच्छा टेबल भी देख लिया करें, नहीं कि टेबल छोड़ना होता है, टेबल भी देख लिया करें। पर इतनी लंबी तो कहानी सुना दी यार, वो नहीं आना भाई डायरेक्ट लेबर। हाँ भाई सर्विस डिपार्टमेंट की वो डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर नहीं है ना, शुरू से हो क्लास में। अभी इतनी लंबी तो कहानी सुनाई थी यार, दो दफा सुनाई थी। तो जब वो है ही नहीं डायरेक्ट लेबर तो फिर यहां क्यों लिख दें? प्रोडक्ट की कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर FOH, जब SD में आने वाली डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर है ही नहीं तो फिर यहां पर मैं क्यों ऐड कर दूं उसको? हाँ तो FOH है, वो FOH ही है, वो इसीलिए इसके अंदर वो कवर्ड है। वो पूरे पूरी फैक्ट्री की नजर से देखेंगे तो वो FOH है, इसीलिए तो उनको FOH में लिखा है। मिट गया वैसे, तभी तो उनको FOH में लिखा हुआ। वो डायरेक्ट लेबर नहीं है, जब है ही नहीं तो फिर हम इस लाइन में कैसे लिख दें उसको? FOH है, हाँ FOH के टेबल में लिखा है, नहीं बजटेड का वर्ड नहीं लिखा और कहा है फॉर द मंथ ये डाटा है। तो ये डाटा, ये लिखने का फ्लो ही है कि अगस्त का डाटा है तो एक्चुअली है ना।
देखें बजटेड होगा तो बजटेड कहेंगे, आपको कहा है फॉर द अगस्त ये डाटा है तो गुजरे हुए का डाटा होगा ना, और रिकॉर्ड्स का वर्ड भी लिखा हुआ, रिकॉर्ड लिखा है ना, तो हुआ है तो रिकॉर्ड हुआ होगा ना। हाँ जी पढ़ लिया सवाल। तीन प्रोडक्ट्स हैं अल्फा बीटा और गैमा, इसमें एक दो पॉइंट बड़े अच्छे हैं इसलिए मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा। हाँ एक वो एक दो पॉइंट्स बता के बेशक बाकी सवाल छोड़ दूं, लेकिन वो एक दो पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। अल्फा बीटा गैमा तीन प्रोडक्ट्स हैं, और पॉइंट नंबर वन द कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द लेटेस्ट क्वार्टर तो वर एज फॉलोज, ये सारा एक्चुअल डाटा है। इसी वजह से रिक्वायरमेंट में आपसे ओ ए आर का वर्ड नहीं पूछा हुआ, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पूछी है बस। अच्छा अभी जो पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट्स बनाए हुए ना, अगर आपने पढ़े हैं तो ये वो चीज़ है जो मैंने आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स में दो सिनेरियो दिखाए थे कि मैनेजमेंट की मर्जी चाहे तो वो खर्चे प्रोडक्ट वाइज बांट के फिर उसके यूनिट से डिवाइड कर दे, और चाहे कोई एक कॉमन बेस लेके जो मैंने ओ ए आर पर मशीन आर लिया था चाहे उसको यूज़ कर ले। तो ये रिक्वायरमेंट ओ ए आर की नहीं है, लेकिन काम वही कहा हुआ है। पार्ट ए में कहा हुआ है कि आप अल्फा बीटा गैमा की एफ ओ एच कॉस्ट पर यूनिट निकालें बाय यूजिंग अ सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स, यानी पहले आप ओवरहेड पर लेबर आवर निकालें फिर उसको पर यूनिट बना दें। ये रिक्वायरमेंट ए है। और रिक्वायरमेंट बी में कहा है कि हर प्रोडक्ट का फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालें, कैसे, बाय एलोकेटिंग इंडिविजुअल एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिलेटेड फैसिलिटीज। क्या कर ले? मेहनत पे डिपेंड करते हैं, पार्ट ए में मेहनत कम है तो पार्ट ए के मार्क्स कम है, पार्ट बी के मार्क्स ज़्यादा है। क्या जी? पार्ट बी में उसने कहा है कि जो आपको ऊपर ओवरहेड्स बताए हुए हैं उन सब को पहले प्रोडक्ट्स में बांट लें, उसके बाद नंबर यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट बनाएं, री इसलिए कहा है कि पार्ट ए कर चुके, तो पार्ट बी में कह रहा है दोबारा कैलकुलेट कर दें एफ ओ एच कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, लेकिन कैसे, बाय एलोकेटिंग इंडिविजुअल एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिलेटेड फैसिलिटीज, यानी किसी ना किसी ढंग के तरीके से खर्चे बांटें उसके बाद उसको पर यूनिट बनाएं। और आपके शौक को मद्देनजर रखते हुए ये कल करेंगे सवाल, कल मैं अगला चैप्टर शुरू कराऊंगा इंशाल्लाह, देखता हूँ पहले ग्रिड में है। मैक्सिमम सवाल तो भाई 10, 11, 12 वैसे पहले ग्रिड में है ये, इन्वेंटरी वैल्यूएशन ओवरहेड्स 35 से 45 का ग्रिड है तो वैसे इसका 10, 11, 12 नंबर यही है जी। हाँ जी आए हुए हैं तो दे दें, क्या जी पूछ लेना बेटे, कोई बात नहीं पूछ लेना, कल कोई बताई थी परसों, आखिरी क्या चल रहा था मुझे याद नहीं। हाँ जी वो तो खैर कहने लग गए थे सर हदीस हदीस सुनाए तो मुझे वो उस पर याद आ गया कि आप जान छुड़ाने के लिए कह रहे होते, उससे पहले कोई बात
नहीं यार, तो बड़ी पुरानी बात हो गई, उसके बाद हुई नहीं यहाँ पर। यार कैसे लोग हैं आप, अच्छा जी चलें फिर ये सुनाता हूँ। ये मैंने ये मिसाल नहीं दी थी कि आप हॉस्टल में रहते हैं और या गंदे मंदे रहेंगे, क्या क्या है नहीं, वो तो मास्क लगाने पे कहा था ना। हाँ नहीं, वो तो और बात थी, नहीं नहीं वो और बात थी, ठीक है मुझे लगता है ये बात नहीं हुई। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या वैसे अपने घर में भी अगर अपना अलग रूम है या बहन भाइयों का कोई अलग रूम है और उनमें सफाई नहीं कर रहे, जो कपड़े जहां पड़े हैं गंदे वहीं पड़े हैं, वहीं गंदी जुराबें हैं, स्मेल भरी हुई है कमरे के अंदर, वहीं कपड़े वहीं किताबें बिखरी हुई हैं और आप उसी में जी रहे हैं, तो इसका असर आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर केयरलेसनेस और गंदगी और ऑर्गेनाइजेशन ना होना, डिसिप्लिन ना होना, ये आपकी पर्सनैलिटी में असर पड़ेगा। और अगर आप साफ सुथरे रहने के आदी हैं तो फिर इसका भी पर्सनैलिटी पर असर होगा। आप इसको ऐसे ऑब्जर्व करके देखिएगा कि जब कभी कई महीनों बाद, नहीं जब नहाता इंसान ने कई महीने बाद आपने नहाए हैं, तो उस वक्त आपने अगर कपड़े भी बेहतर पहने हुए हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बेहतर होगी कॉन्फिडेंस के हवाले से भी और ज़्यादा नफासत होगी। लेकिन अगर आप नहाए धोए ही नहीं है, पता नहीं कितना अर्सा हो गया जिसको आप समझने की सादगी है, और आप नहा धो ही नहीं रहे, कमरे का ख्याल भी नहीं कर रहे, ना फ़र्क पड़ रहा है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज पड़ी हैं बिखरी पड़ी हैं, तो आपकी तबीयत के अंदर केयरलेसनेस आ रही होगी। तो जो सफाई की आदत है ना, उसका असर मिजाज पर पड़ता है। अच्छा, अब जो कमरे को साफ रखता है, किताबों को जहाँ रखा हुआ है इनको ऑर्गेनाइज तरीके से रखता है, इस्तेमाल करेंगे तो गंद तो फैलेगा, लेकिन फौरन ही साफ़ कर लें तो फिर वो साफ़ ही रहेगा। लेकिन अगर कहें कि अच्छा चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वीकेंड पे कर लेंगे, तो उससे फिर सुस्ती आना शुरू हो जाएगी और फिर सफाई हो ही नहीं पाएगी। फिर वो आप उसमें यूज़ टू हो जाएंगे और आपको फिर मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा, अब कौन ये सारा संभालेगा, बस ठीक है ज़िंदगी का हिस्सा है, आप ऐसे ही चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर साथ साथ सफाई करते जाएंगे, साथ साथ बिखरी हुई चीज़ें समेटते जाएंगे, तो फिर वो समेटने में आसान भी होंगी और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ रहेगी। तिर्मिज़ी 1987। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी अल्लाह से डरो और बुराई के पीछे नेकी करो, यानी अगर बुराई हो जाए तो नेकी करो, तो नेकी बुराई को मिटा देगी। अच्छा, इसमें ना बड़ी लॉजिकल बात है जो मैं भी मिसाल समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर सामान बिखर गया, गंद फैल गया, तो फौरन साफ़ कर लें, इससे आप साफ़ ही रहेंगे और गंद का बोझ नहीं पड़ेगा तो जल्दी सिमट भी आया करेगा। लेकिन अगर गंद साफ़ ही नहीं कर रहे तो फिर दोबारा सफाई की हिम्मत भी नहीं होनी, फिर गंदे ही रहने लग जाएंगे आप। तो अगर बुराई हो जाए तो उसके पीछे फौरन नेकी करो, उससे वो बुराई मिट जाएगी, वो बुराई मिट जाएगी। और इसका एक और फ़ायदा भी होगा कि आइंदा ना आपको शैतान बुराइयों पे कम उकसाएगा, क्योंकि ये बात शैतान के लिए ज़्यादा तकलीफ देह है कि एक तो इतनी मेहनत से उसने बुराई की तरफ उकसाया था, आपने बुराई की, फिर आपने फौरन नेकी की, तो पहले तो अल्लाह ने उसको शिफ्ट डिलीट किया, जो पहले बुराई हो गई थी वो साफ़ हो गई और नेकी नेकी हो गई,
तो ये शैतान को ज़्यादा दुख होगा। तो जब आपकी वो ये हरकतें देखेगा तो फिर वो आपके लिए कुछ और प्लान करेगा, और वो जो नॉर्मल बुराइयों पे उकसाता था फिर वो पीछे हट जाएगा, हैं? तो वो कुछ और सोचेगा, लेकिन फिर आप भी उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। तो इसलिए अगर बुराई हो जाए तो उसके पीछे नेकी करो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस नीयत से बुराइयां करें कि अभी तो मैंने डिलीट कर लेना है। इस हरकत की वजह से, इस नीयत की वजह से अल्लाह ताला डिलीट करने की तौफीक छीन लेंगे। जब इंसान इस नीयत से बुराई करता है ना कि मैंने तो तौबा कर ही लेनी है, या मैंने तो अभी नेकी कर लेनी है और ये बुराई डिलीट हो जानी है, तो फिर उसमें फिर नेकी की तारीफ तौफीक छिन जाती है। फिर इंसान सोचेगा अच्छा चलो अभी तो ऐसे डिलीट ही करना है ना, दो गुना और कर लूँ। फिर कहेगा चलो खैर है, ज़्यादा ज़ोर से डिलीट कर देंगे, चार गुना और कर लें। तो फिर वो तौफीक डिले होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए बुराई हो जाए तो फ़ौरन नेकी कर दें और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।